हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज़ाइन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी व्यूज़ के ऊपर, क्या क्या व्यूज़ होते हैं 3ds Max के अंदर। यहाँ पर अल्ट और डब्ल्यू प्रेस करके हमने चारों विंडो सिलेक्शन देखे थे, पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, लेफ्ट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है और फ्रंट व्यू क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शंस कैसे कैसे वर्क करते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। मैं गया यहाँ पर पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव व्यू में, मैंने पी प्रेस किया और पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव व्यू पे गया। पर्सपेक्टिव व्यू पे इस बॉक्स को मैंने डिलीट किया। अभी डिलीट करने के बाद मैंने अगेन क्रिएट पर क्लिक किया। ज्योमेट्री पर क्लिक करके मैंने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर से एक बॉक्स लिया, मैंने ऐसे कोई बॉक्स ड्रॉ कर लिया। इस बॉक्स को एस्केप करके मैं बाहर निकला। एस्केप करके बाहर निकलने के बाद मैंने इसके मॉडिफाई के अंदर जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ दिखा रहा है वो 10 inches। तो लेंथ मैंने ले ली, मान लीजिए मुझे 10 या 15 या 12 फीट का कोई रूम बनाना है, तो मैंने 15 फीट का कोई रूम लेने के लिए 15 फीट उसकी लेंथ डाल दी। टैब दबाया, टैब दबा के विड्थ की बात कर रहा है, तो विड्थ मैंने थिकनेस लेनी है वॉल की, तो वॉल की थिकनेस मैंने ले ली यहाँ पे 4 inches, 4 inch, 8 inch, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। टैब दबाकर आपने हाइट लिया, हाइट ले लिया आपने 10 feet और इंटर किया। तो आपने क्या इसके पैरामीटर, एक वॉल के पैरामीटर्स हो गए, ये 15 फीट की आपकी वॉल है, 4 inch की उसकी थिकनेस है और हाइट जो है कि वो 10 feet है। आपने एस्केप किया, एस्केप करके सब चीज़ों से बाहर निकल गए। अब आप इस वाली कमांड को जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मूव कमांड। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ पर ये जो कर्सर है ये ऑन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मूव कमांड। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको 360 रोटेट करके देखना होता है तो आप कैसे रोटेट करके देखते हैं। अल्ट के साथ माउस का मिडिल बटन दबाते हैं, उसको रोटेट करते हैं तो ये पूरा रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रोटेट करके देख सकते हैं। तो आपने देखा मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ था, बॉक्स बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डब्लू प्रेस किया तो इसके ऊपर मूव कमांड एक्टिव हो गई। मूव कमांड एक्टिव करने के बाद मैं इसको एक्स डायरेक्शन से पकड़ता हूँ और माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा कर रखता हूँ, उसको आगे साइड में मूव कराता हूँ तो मूव हो जाता है। वहीं अगर इसको वाई डायरेक्शन पर मूव कराना है तो वाई डायरेक्शन पर ऐसे मूव करा सकता हूँ, और जेड पर कराना है तो जेड पर करा सकता हूँ। फ्रंट व्यू पे जाता हूँ, फ्रंट व्यू पे जाकर जेड प्रेस करता हूँ तो ये इसकी विंडो पूरी जूम आउट हो जाती है। जी प्रेस करता हूँ तो ग्रेड आ जाती है, जी प्रेस करूँगा तो ग्रेड ऑफ हो जाएगी। अगेन मैंने जी प्रेस किया तो ग्रेड आ गई। ग्रेड पे देखा मैंने ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है, मुझे इसको एक्स एक्सिस पे मूव कराना है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मैनुअली मूव करा सकता हूँ। टी प्रेस करूँगा टॉप व्यू पर जाकर, जेड प्रेस करूँगा तो मेरी विंडो पूरी जूम हो जाएगी। जैसे आप कई बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते बनाते आपने पता नहीं कहीं चला गया आपका ऑब्जेक्ट, तो आप जेड प्रेस करेंगे तो जूम आउट होकर आपके सामने आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप ऐसे करके इसको जूम आउट कर सकते हैं। कोई भी प्रिमिटिव आपको बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। उसको पूरा राउंड से सिस्टम में देखना है तो अल्ट के साथ आप उसको मिडिल माउस बटन को, माउस के मिडिल माउस बटन को यूज़ करेंगे अल्ट के साथ, तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा 360। अब आपने इसको देखा, टॉप व्यू पे गए, टॉप व्यू पे जाने का जेड प्रेस किया तो ये जूम आउट हो गया आ गया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी के अंदर इसको कॉपी कैसे करते हैं। आपने सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए उसके ऊपर मूव कमांड एक्टिव करानी होगी डब्लू प्रेस करके। देन डब्लू प्रेस कर लिया तो मूव कमांड एक्टिव होगी, शिफ्ट को दबा के रखेंगे आप, और एक्स डायरेक्शन पर कॉपी करना है तो एक्स डायरेक्शन को पकड़ के आप आगे खींच देंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्लोन हो जाएगा। यहाँ पे एक विंडो आ रहा है मेरे सामने क्लोन ऑप्शंस, इसमें दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप करेंगे कॉपी और यहाँ पर उसके नंबर्स ऑफ कॉपीज पूछ रहा है तो आप ओके करेंगे। जितने नंबर्स डालना है उतने नंबर डाल देंगे तो उसकी उतनी कॉपीज हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स से एज इट इज़ सेम टू सेम दूसरा बॉक्स बना लिया है। अल्ट के साथ माउस का मिडिल माउस बटन दबाऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ऐसे, और रोटेट करके मैंने देखा यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट मेरे दोनों कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। मैंने पी प्रेस किया तो मैं पर्सपेक्टिव विंडो में चला गया, पर्सपेक्टिव विंडो में मुझे ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से बना लिया। अब मैंने जैसा आप लोगों को मूव कमांड बताया, मूव कमांड के साथ साथ मैंने आपको कॉपी करना बताया। अब इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, अगेन मैंने टी प्रेस करके जेड प्रेस किया तो जूम कर हो गया पूरा। शिफ्ट दबा के मैंने इसको एच डायरेक्शन पर कॉपी किया अगेन, और आपने किया ओके। ओके करने के बाद आपने ई प्रेस किया, ई प्रेस किया तो यहाँ पर कौन सी कमांड एक्टिव हो गई, रोटेट कमांड एक्टिव हो गई। और रोटेट करना है मुझे इस ऑब्जेक्ट को तो मैंने यहाँ से इसको रोटेट किया जेड डायरेक्शन पे 90 डिग्री। ये जो एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन दिख रही हैं आपको, एक्स वाई जेड, तो ये तीनों डायरेक्शन पर रोटेट होता है। यहाँ पर जैसे जब इसको रोटेट करना होगा आपको तो ये येलो एक्सिस दिख रही है वो उसकी जेड डायरेक्शन है। ये वाली जो एक्सिस दिख रही है आपको ये वाली, इसको बोलेंगे वाई डायरेक्शन, और ये वाली जो एक्सिस दिख रही है इसको बोलेंगे एक्स डायरेक्शन। तो ये तीन टाइप की एक्सेस हैं इसकी, आप इनसे इसको मैनुअली भी एक्सेस करा सकते हैं, इसको मैनुअली भी आप अपने हिसाब से रोटेट करा सकते हैं जहाँ पर आप रोटेट कराना चाहें।
जैसा मैंने सबसे पहले जब इसको स्टार्ट कर रहा था तो बताया था आप लोगों को अंडू करना, कंट्रोल जेड दबाएंगे आप तो अंडू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रोटेट करा सकते हैं, डब्लू प्रेस करेंगे तो अगेन आपकी मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने आज आप लोगों को इसमें बताया मूव कमांड और रोटेट कमांड। अगले वीडियो में हम लोग स्केल कमांड के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।